हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक मोशन से संबंधित हमें बात करें। जेबी का डबल पीबी यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 2 है बैंकिंग रेगुलेशन। तो आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी समझेंगे क्या क्या बोलना चाहता है। तो पहला चीज ये है कि आरबीआई को जो फॉर्म किया गया, आरबीआई जो बनाया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बनाया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आरबीआई जो है अपना फंक्शन काम, जो आप बोलते हैं उसको काम करना, आरबीआई अपना जो काम करना चालू किया वो चालू किया है 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई फंक्शन करना चालू कर दी। फिर ये दुनिया का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है, क्या है, दुनिया का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है जो कि ऑपरेट करती है डेवलपिंग कंट्रीज में। उसके बाद आरबीआई खुद में स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई क्या है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है अंडर रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी आरबीआई जो अगर आप बात करें हम लोग सही भाषा में, आरबीआई क्या है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है जिसको कि जो कि रिजर्व बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत ये काम, मतलब एक्चुअली क्या है कि आरबीआई समझे तो भारत सरकार का एक निवेश बोल लीजिए, चाहे भारत सरकार का आप बोल लें कि भारत सरकार के कंट्रोल में, सबसे सही शब्द होगा भारत सरकार के कंट्रोल में है, ठीक है, इसी के हिसाब से रेगुलेट करती है। इसके लिए उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया था 1948 का, जिसमें पब्लिक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप है। इस एक्ट के तहत क्या होता है, जो केंद्र सरकार होता है उसको ताकत मिलती है और वो गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के साथ, उनके साथ सलाह मशवरा करके आरबीआई को डायरेक्शंस देती हैं, निर्देश देती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा अगर ऐसा नेसेसरी हुआ तो। आरबीआई के पास एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है और 12 डायरेक्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे नॉमिनेट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, यानी केंद्र सरकार जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर को, 4 डिप्टी गवर्नर को और 12 डायरेक्टर को। और जो आरबीआई का जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। आरबीआई का जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, जहां पे कि एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 12 डायरेक्टर्स होते हैं और 4 दूसरे आदमी होते हैं लोकल बोर्ड के। आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मुंबई में है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है आरबीआई की वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो जरा देख लीजिए। सबसे पहला चीज ये है ऑब्जेक्टिव का कि यहाँ पे इसको मेंटेन करना पड़ता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी जो पैसा का जो होता है रुपए का या पैसे का, रुपए का जो भी आप बोले, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना इसको बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे इंश्योर करना पड़ता है यानी भरोसा देना पड़ता है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो गया चाहे NBFC हो गया, वो सारे का सारे साउंड है। साउंड का मतलब क्या है, अच्छे हैं, इनका बिजनेस बढ़िया है और ये किसी भी तरीके का ऐसा नहीं लगता है कि फ्रॉडिज्म करेंगे या धोखाधड़ी करेंगे। फिर चौथा चीज क्या है कि यहाँ पे मेंटेन करती है स्टेबल पेमेंट सिस्टम। आरबीआई का काम क्या है, ये भी चेक करना कि कितना स्टेबल पेमेंट सिस्टम है, उसको भी आरबीआई चेकआउट करते रहती है, मेंटेन करते रहती है। फिर क्या यहाँ पे इंश्योर करना कि क्या ओवरऑल वॉल्यूम है मॉनिटरी और क्रेडिट का इकोनॉमी में, यहाँ पे क्या करना होता है, इंश्योरिटी देना होता है ओवरऑल जो भी वॉल्यूम है मॉनिटरी और क्रेडिट जो आपके इकोनॉमी में चल रहा है। छठा चीज है कि आपको यहाँ पे इंश्योरिटी करना होता है क्या क्रेडिट एलोकेशन करेंगे आप फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा, यानी आपको क्या करना होता है, इंश्योरिटी ये देना होता है कि क्रेडिट एलोकेशन के द्वारा क्या फाइनेंशियल, मतलब आप फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी आप क्रेडिट एलोकेशन कर रहे हैं वो कैसा है, मतलब कहने का मतलब ये क्रेडिट एलोकेशन का मतलब हो गया कर्ज देना, लोन देना। तो आप यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक हो गया चाहे NBFC हो गया, कैसे कैसे लोन देगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बना हुआ है, वहां पे परसेंटेज है कि 100 रुपया तो 18 रुपये आपको एग्रीकल्चर रुपये में देना हो, एग्रीकल्चर में देना होगा। फिर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज में आपको देना होता है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे फिक्स्ड बनाया हुआ है कि भाई इतना परसेंट आपको यहाँ पे देना ही देना है। और इसको आरबीआई चेक भी करती है, ठीक है, और इसलिए टारगेट रहता है बैंक टू बैंक की ब्रांचेज में भी रहता है कि भाई इतना एजुकेशन लोन करो, इतना कार, इतना आप होम लोन करो, है ना। उसके बाद क्या होता है कि प्रमोट करना होता है डेवलपमेंट का, फाइनेंशियल मार्केट का, यानी फाइनेंशियल मार्केट के डेवलपमेंट को आपको प्रमोट करना है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उसके डेवलपमेंट को भी आरबीआई काम करती है प्रमोशन के रूप में, प्रमोट करती है, ठीक है। फिर है सारे के सारे क्वाइंस और 1 रुपए के नोट, इसको जो इश्यू करने वाला है
वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, भारत सरकार इशू करती है, और उसको सर्कुलेशन में कौन लाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाता है, यानी आरबीआई लाती है। रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई में आइए, तो यहाँ पे है पहला है कि मॉनिटरी अथॉरिटी, जो यहाँ पे मॉनिटरी अथॉरिटी जो होता है, यानी जो पैसे का जो अथॉरिटी होता है वो किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। फिर करेंसी इश्यूर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी को इशू करने वाली कौन है? वो भी आरबीआई है। सर्कुलेशन में लाने वाली भी आरबीआई है, ठीक है। फिर बैंकर, मतलब गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का क्या कि तरीके का बैंकर है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है तो पैसे भी देती है, यानी डेप्ट मैनेजर भी है। बैंकर्स टू बैंक, यानी लास्ट रिजॉर्ट होता है बैंक का, यानी बैंक के पास अगर पैसे की कमी हो जाए तो बैंक किसके पास जाएगा? स्वाभाविक सी बात है अपने बाप के पास जाएगा। बाप यहाँ पे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका एक तरीके से समझे तो इन सभी बैंकों का फादर है वो, ठीक है, फादर है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी बच्चा परेशान हो पिताजी के पास ही जाएगा, ठीक है। तो बैंक जो है यहाँ पे वो कुछ प्रॉब्लम होगा तो सीधा सा सीधा बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, इसलिए बैंकर्स टू बैंक बोलते हैं इसको। और बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। लॉज तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है आपको, पार्लियामेंट से लॉज बनता है आपका, पर इसको रेगुलेट कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, इसको नियम पर लाएगा कौन, तो ये काम है आरबीआई का। इसलिए आरबीआई को हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम का। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई क्या है? मैनेजर होती है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी फॉरेन एक्सचेंज जितना होता है उसको केयर टेकर बोल लीजिए, चाहे उसको कैसे क्या करना है, उसका मैनेजर एक तरीके से आरबीआई होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने वाला आरबीआई है। और जितना भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है भारत में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट फॉरेन का होता है, जो विदेश से देश में पैसा भेजते हो, चाहे देश से विदेश में भेजते हो। दूसरा एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, सारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, इसका रेगुलेटर आरबीआई, और इसको सुपरवाइज करने वाला, देखभाल करने वाला भी आरबीआई है। फिर डेवलपमेंट रोल में भी रहती है आरबीआई, ठीक है। यहाँ पे एक मेगा ऑफर है और ऑफर एकदम लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको जेआईबी और सीआईबी कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही है, सारी कोर्सेज जो होती है ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिविजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 600 रुपए। जेआईबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं, तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपए। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं एबीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1100 रुपए। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपए। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का, दाम है 199 रुपीज, और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट पर 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymetal.com, ईमेल आईडी हो गया 6 3 3@gmail.com।